जहां एक और देश भर में नुपुर शर्मा के बयानों की आलोचना और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं अब नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में मार्च निकालने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर साइबर सिटी में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रतीकात्मक मार्च निकालकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप मौजूद परिस्थिति को लेकर विरोध जताया है। जी हाँ, जुम्मे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी का देंगे मुंह तोड़ जवाब, ये कहना है भाजपा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज का। कुलभूषण भारद्वाज की माने तो ओवैसी अपने डीएनए चेक करवाए, उनके खून में किसी हिंदू का रक्त ही मिलेगा। वहीं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रधान महावीर भारद्वाज की माने तो देश के माहौल को अशांत करने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर सरकार को इन दंगाइयों से, इन जिहादियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। ये नुपुर शर्मा के साथ साथ जो हमारे महादेव का अपमान हुआ, जिस प्रकार की भाषा महादेव के बारे में कही गई कि फुटपाथ पर भी जो है शिवलिंग होते हैं, आप वहाँ जाकर पूजा करें, और जो शुक्रवार को नमाज के नाम पर नमाज के बाद जो पत्थर मारने की घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के संयम की अपील के बाद आज हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। और हमारा हिंदू समाज, हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी साथीगण, कार्यकर्ता बंधु, ये चेतावनी देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि या तो ये लोग जो हदीस में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो आप अदालत जाएं। हम नहीं चाहते, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश की कार्यपालिका और देश की न्यायपालिका में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने जिस प्रकार से जो आतंक का माहौल पूरे देश भर में बनाया है, या तो ये एक वहाँ पर बैठा है हैदराबाद के अंदर, उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी हमारे ही पुरखों की पैदाइश है, वो भी सुनील भाई के पुरखों की पैदाइश है, कुलभूषण भारद्वाज के पुरखों की पैदाइश है, वो अपने इतिहास को पढ़ ले, अपनी कुंडली को पढ़ ले, हिंदू का रक्त है, हिंदू का खून है। अस्थाई रूप से मुस्लिम जरूर बन गए हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें हमारा रक्त है, समझ जाओ, समय है। अगर तुमने हमारे को ज़्यादा किसी प्रकार से प्रताड़ित किया तो याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर तुम्हें कहीं पूरी दुनिया में पांव रखने की जगह नहीं मिले। यही कहने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। ज्ञापन में ये जो पिछले कुछ दिनों से देश में कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के मुसलमानों ने देश के माहौल को ख़राब किया हुआ है, अनेक शहरों में उन्होंने उग्र प्रदर्शन किए हैं, पत्थरबाजी की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर हमला किया है, पुलिस की गाड़ियां जलाई हैं। इस प्रकार के दुष्कर्म के खिलाफ पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर बजरंग दल के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जा रहा है कि हम उनको ये चेता देना चाहते हैं कि यदि इसके बाद उन्होंने इस प्रकार का दुस्साहस किया तो वह सहन नहीं किया जाएगा। देश की अमन शांति, देश के चैन को, देश की आम जिंदगी को खराब करने का, उसे दूषित करने का, उसे परेशान करने का हक हम मुस्लिम कट्टरपंथियों को नहीं देते। मैं आज आपके इस यशस्वी चैनल के माध्यम से उन मुस्लिमों को ये भी बता देना चाहता हूँ, भारत के आम मुस्लिमों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ चुने हुए इमाम, कुछ चुने हुए ऐसे फतवा जारी करने वाले मुफ्ती, कुछ ऐसे कट्टर हैं, इन्हें समझा दिया जाए ये तैयार हैं। जो कट्टरपंथी मानसिकता के साथ लोग हर शुक्रवार को सड़कों पे उतर रहे हैं, नमाज करने के बाद पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे, ये करेक्ट बताया। और नुपुर शर्मा तो खुले में बोल रही कि भैया अगर मैं गलत हूँ तो मुझे साबित करो, तो साबित करो भाई, जो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो आए साबित करे। बता दें आप सभी को कि देश भर में नुपुर शर्मा के बयानों के बाद उठी चिंगारी को देखते हुए अब हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए हैं। हिंदू संगठन ने नुपुर शर्मा के बयान को जायज करार देते हुए जिहादियों को सख्त चेतावनी देने के साथ ही देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप ऐसे जिहादियों से सख्ती से निपटने की मांग की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।